अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास हमारी कंप्यूटर की है, चैप्टर हमारा 6 है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिक्स की। बेसिकली आजकल अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उसकी वजह यह है कि इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को पिक्चर की फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली ग्राफिक्स क्या है। Graphics is an art to design and produce pictorial representation of information. This facility is provided in almost all version of basic language. It is displaying information on screen. There are 20 screen graphics modes and each has its different purpose. इसका मतलब ये है कि ग्राफिक्स हमारे पास एक ऐसा फन है, एक ऐसी आर्ट है जिसके जरिए से हम अपनी प्रॉब्लम को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते हैं हम पिक्चर फॉर्म में, यानी इसमें जो भी हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पिक्चर फॉर्म में, यानी पिक्चर की फॉर्म में हमने अपने डाटा को इसमें रिप्रेजेंट करना है। और बेसिकली ये जो हमारे पास फैसिलिटी है, बेसिक में जितनी भी लैंग्वेज है ये तमाम लैंग्वेज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम तमाम लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राफिक्स को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसके बाद इसमें जो भी डाटा होगा वो हमारा पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज करें अगर आदमी वाले जो भी काम करते हैं, अगर हमें किसी जगह विजिट करना हो तो पहले क्या करते हैं, मैप लेके आते हैं पिक्चर की फॉर्म में, उसमें उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे से वो अपना सफर शुरू करते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास इसके टोटल 13 टाइप्स हैं, मोड्स कहते हैं टाइप्स को, ग्राफिक्स में हमारे पास 13 टाइप्स हैं, ठीक है। और हर टाइप को हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। आजकल देखें तो ग्राफिक्स में पहले काम होता था सारा ग्राफ की फॉर्म में, इसके अलावा इसको हम मैथ में भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल जो ग्राफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इसको कंप्यूटर में। इसके लिए इसमें ये है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम आती है हम अपनी प्रॉब्लम को पिक्चर की फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान होता है। दूसरा हमारे पास है पिक्सल। बेसिकली पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। पिक्सल है क्या, पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट्स। इसमें अ पिक्चर इज वन आर्ट ऑन द स्क्रीन, योर स्क्रीन इज मेड ऑफ 1 मिलियन लिटल स्क्वायर ऑफ कलर पिक्सल। यू कैन डिटरमाइन एनी कोऑर्डिनेट, अ कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल। इसका मतलब है बेसिकली पिक्सल्स हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, और इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है, स्केल स्केल की फॉर्म में छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं। तो हमारे अगर पिक्चर की इसमें ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अगर जितने ज़्यादा हमारे पास पिक्सल ज़्यादा होंगे हमारा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज करें आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं इसमें सबसे पहले हर बंदे की डिमांड होती है कि इसकी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। तो आप चेक करें कि जिस मोबाइल की जितने ज़्यादा पिक्सल यूज़ होंगे उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा और हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये इधर स्मॉल सिंबल बना हुआ है स्केयर का, इसमें स्केयर की फॉर्म में छोटे छोटे डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पिक्सल ज़्यादा होंगे ज़ाहिर है उतनी ही हमारी रेजोल्यूशन अच्छी होगी और उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा होगा और हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे दो टॉपिक थे आज, पिक्सल्स और दूसरा हमारा था ग्राफिक्स। तो कल हम आगे से पिक्सल की तीन डेफिनेशन, तीन टाइप्स हैं हमारे जो बुक के अकॉर्डिंग हमें दी गई है, वैसे इसकी टोटल 13 टाइप्स है, अब हम इसमें सिर्फ 3 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा टॉपिक होगा पिक्सल की मोड्स के ऊपर, पिक्सल की टाइप्स के ऊपर, यानी ग्राफिक्स की जो हमने टाइप यूज करनी है इसमें सिंपल हमने यूज करनी है टेक्स्ट मोड, दूसरा एक हमने टेक्स्ट करना है, एक हमने मीडियम करना है, एक हमने हाई रेजोल्यूशन मोड्स करना है। यानी अगर हम इन तीनों को यूज करेंगे इसमें देखेंगे जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हमारी जो रेजोल्यूशन है हमारा जो रिजल्ट है उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक की बात होगी। अल्लाह हाफिज़।